जिले में प्रवास पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने उनके प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर यहां के इतिहास को जाना। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के काफिला गुरुवार की शाम जिले के ग्राम उन पहुंचा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ आए सभी सदस्यों ने प्राचीन जैन मंदिर एवं देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे सभी वादों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन ही नहीं रही है तो वे अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने की बात कही। वे यहां खरगोन में हो रही लोकसभा मीटिंग और सभा में शरीक होने पहुंचे थे। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। इस तरह से आप लोग हमारी जो मीडिया के साथी हैं उनकी कहते हैं, लेकिन आप लोग कहना चाहता हूं, कल भी मैंने मीटिंग में कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं है। वो कहते हैं कि उनका सरकार आने से ही देंगे। अरे उनका सरकार तो आएंगे नहीं तो देंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम पैसेंजर की तरह चलने वाला सरकार नहीं है, ये राजधानी की तरह स्पीड से चलने वाली सरकार चल रही है। आप लोग मालूम है नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। आप लोग मालूम है कि हम चाहते हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और अभी नवंबर में यहाँ इलेक्शन होने वाले, यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। लेकिन मुझे सिर्फ हमारी पार्टी राष्ट्रीय समिति ने जो एक महीना का कार्यक्रम दिए हैं उसको हम पालन करने के लिए ही जरूर इलेक्शन समय हमारी पार्टी अगर मुझे कहे कि आपको जाना है मध्य प्रदेश में प्रचार चलाने के लिए, जरूर आऊँगा, आप लोग से मिलूँगा। और हमारी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा मैं उसको पालन करूँगा, और आप लोगों का हर एक सवाल का मैं जवाब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।